Hi friends, namaskar. This is Charul Malik and you guys are watching ENT Live. आज के हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो मेन न्यूज से अब एंटरटेनमेंट के बाशिंदे बन चुके हैं, जिसे बोलते हैं बहुत बादशाह बन चुके हैं. एंड इन्हें आई होप किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जरूरी होता है इंट्रोड्यूस कराना, तो मैं मेरा काम पूरा करूंगी और आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उस शख्स से जिनका नाम है अमित. शुक्रिया चारुल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मोस्ट वेलकम. बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, आपने समय दिया हमें. आप जल्दी कीजिए, आप ओपनिंग में बहुत फुटेज खा रहे हैं. नहीं, 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 फुटेज नहीं खा रहे हैं. देखिए, हमारा काम है, हमें चैनल से इसी बात का पैसा मिलता है. तो हमारे साथ अमित भाटिया हैं और ये बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज कर रहे हैं और आज मैं कोशिश करूंगी इनसे ये जानने की कि इनका जो स्विच है एक मेनस्ट्रीम न्यूज प्रोड्यूसर के तौर पर, जनरल न्यूज को प्रोड्यूस करते करते बिहाइंड द कैमरा रहते रहते, इन्होंने कैसे ये स्विच किया है और आज ये कैसा महसूस करें. हालांकि कैसा महसूस करें ये डायलॉग बड़ा अच्छा नहीं है, सवाल को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आज इन पे एकदम फिट बैठ रहा है. तो अमित, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ बिकॉज आई एम सिटिंग विद चारुल मलिक. एंड जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, शी यूज्ड टू बी द बिग एंकर ऑफ टीवी. उसके बाद मेरे से बड़ा स्विच तो आपने किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया. मतलब मैंने तो क्या किया, पर्दे के पीछे से थोड़ा सा पर्दे के आगे आ गए, बट आपने तो पर्दा ही चेंज कर दिया. आहा, क्या बात है. अब मैं मान गई कि एक बहुत ही जबरदस्त एंकर है क्योंकि इन्होंने मुझे काउंटर कर दिया आज और इन्होंने नहले में दहला. मतलब इन्होंने ऐसा जवाब दे डाला है कि अब तो भाई. तो गाइस, इंटरव्यू चारुल का ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग पेंडिंग था और आज ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं ना. तो मुझे रिसर्च से लेके ओपनिंग सब कुछ बता दिया, तो मैं इतना रिलैक्स हूँ आज. आज मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है मुंबई में मैं छुट्टी पे हूँ. तो चलिए, पहला खुलासा तो आप ही सवाल बता दीजिए आज की, आपसे क्या पूछा जाए. सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नई नई गाड़ी आई है चमचमाती हुई, नए नए घर में शिफ्ट हुए हैं. और सबसे पहले अमित, आपको बहुत बहुत बधाई यार. एक तो इनके अंदर का न्यूज एंकर जो है ना, वो अभी भी मतलब ना एकदम खौफनाक तरीके से जिंदा है. मतलब ऐसे ही बता दिया मैंने, इसमें इंक्लूड कर दिया. तो स्पॉन्टेनियस दिमाग. नहीं, स्पॉन्टेनियस दिमाग हम न्यूज वाले जो होते हैं ना, कि जैसे किसी ने कुछ बोला एकदम अच्छा ऐसे बोला है, ठीक है, तो वो आप में ना मैंने देखा कि वो एकदम बना के रखा है आपने उसको. अभी कहते ना, वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट. और हम न्यूज वाले जो हैं, हमारे अंदर वो जो कीड़ा है वो कभी मरने नहीं वाला है, हमेशा जिंदा रहे. मरना भी नहीं चाहिए. यही चीज तो हमको मतलब रखती है कि मतलब जो एक कीड़ा कह लो या कुलबुलाहट कह लो या चुल कह लो, चुल, हाँ, चुल कह लो, हाँ, तो वो होनी चाहिए. मजा तो तभी आता है. बिल्कुल. सो जोक बहुत हुआ, मस्ती मजाक बहुत हुआ और अमित, इतने सालों बाद आप मुझसे वन ऑन वन मिले हो. हम जो मीडिया में जो टर्म्स आती है ना, वन ऑन वन, इंटरव्यू, वन टू वन, व्हाटएवर, अब हम इस भाषा में बहुत सारी बातें करने वाले हैं क्योंकि हमारा फोर्टे एक ही है, एक ही था. और मैं भले एक्टिंग में आ गई हूँ, लेकिन अभी भी मेरा जो मेन जो स्ट्रीम का जो की तरफ जो प्यार है वो अभी तक बरकरार है और हमेशा रहेगा. सो थैंक यू सो वेरी मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए, ईएनटी लाइव में बुलाने के लिए. और आई एम रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चंस. अच्छा, ये बताइए कि पहले तो आप बहुत गूगल करती होंगी, बहुत रिसर्च करती होंगी कि अच्छा रूपल पटेल का इंटरव्यू करने जा रही हूँ, देखूँ क्या कर रही है, अच्छा फलाने का, अपने बारे में गूगल करती है, मेरे बारे में क्या छप रहा है. सच बताऊं, मैं अपने बारे में बिल्कुल गूगल नहीं करती हूं, क्योंकि जब मैं गूगल करती हूं कई बार मुझे बहुत ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है जो सच नहीं होती कई जगह, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो पता नहीं कहां कहां से आ जाती है सर्कुलेट होके, तो मैं बहुत बार नहीं देखती हूं. लेकिन हाँ, आज भी मैं होमवर्क करती हूं, अगर मुझे किसी का इंटरव्यू करना है या किसी में पार्टी में जा रही हूं जहां मैं, मेरे अंदर वो एंकर है, वो तो कभी भी नहीं जाने वाला अंदर से, तो वो मैं हमेशा सोच समझ के जाती हूं. अगर मैं जा रही हूं, सपोज मैं रूपल जी से ही बात करूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन सा शो करने वाली है. हालांकि मुझे उसके लिए गूगल की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मुझे फोन पे सारी बात अनफिल्टर्ड कह देगी. नॉट एवरीवन इज एज लकी एज यू. या टच व्हाट, आई एम वेरी लकी. हमें तो करना पड़ेगा गूगल. आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा. पर शायद आज जो इंटरव्यू आपका हुआ है इतना धांसू, उसके बाद ज्यादा कुछ गूगल नहीं करना पड़ेगा. अब लोग गूगल करके अमित के ईएनटी लाइव में देखेंगे कि रूपल पटेल ये होना चाहिए. यस, कि क्या क्या है, क्या क्या खासियत, क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस, जर्नी, you know, yes. वो है. तो ये लकी हैं, आप भी, हम भी लकी हैं. बट या
बस हमारा नाम लकी नहीं है हम दोनों का, मैं हमें तो ये चाह रहा हूं। कमिंग बैक टू आवर न्यूज रूम जहां पर मैं मेनस्ट्रीम एंकर हुआ करती थी और मैं सुबह सुबह आके बोलती थी नमस्कार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं चारुल। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार सनसनी श्रीवर्धन के साथ। ये सारे मतलब ऐसे टिप्स रहते थे, सोते सोते सपने में मैं यही बोला करती थी। खैर तो जब मैं न्यूज पढ़ा करती थी तब अमित रनडाउन पर हुआ करते थे और अंदर आया करते थे कई बार जब मैं लाइव हुआ करती थी, क्योंकि जब आप लाइव होते हो याद होगा क्रोमा पे आपको लैपटॉप कहाँ रखोगे आप, फोन भी अलाउड नहीं, कमांड दी जाती है, फोन भी आप हाथ में नहीं, आजकल एंकर्स हाथ में फोन पकड़ के खड़े हो जाते हैं, पहले तो नहीं था बिल्कुल। हाँ पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब अमित अपना पेपर पे कुछ कुछ लिख के कई बार आए हैं, मुझे याद है कुछ ब्रेकिंग न्यूज चारुल की पॉइंटर्स हैं, तो कभी पीसीआर में किसी ने कान में कुछ बताया या अमित ने कई बार आके वो पर्ची पकड़ाई। एक बार आपने ऋषि कपूर नीतू कपूर का इंटरव्यू किया था, आपको याद है, आपने गोलगप्पे खिलाए थे उनको, गोलगप्पे खिलाए थे। यस ऋषि कपूर ने थोड़े से मतलब उस टाइम उनको गुस्सा भी आया था एक सेगमेंट में, क्या ये फोटो वोटो लगा के कुछ नया क्यों नहीं करते हो। फिर ब्रेक के बाद नीतू कपूर ने उनको थोड़ा सा सेटल किया था कि गुस्से में आ गए थे वो एकदम से, थोड़े से दूसरी बात प्रोड्यूसर एंकर वाला वो कनेक्शन, अब तो एंकर एंकर वाला कनेक्शन और अब एक्टर एंकर वाला कनेक्शन। अरे ये एक्टर बन के लगता कैसा है वैसे, मतलब हम अब आपसे तो हम वैसे वाला पूछ सकते हैं ना, नॉर्मली तो हम किसी एक्टर को तो नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको तो हमने देखा इतने साल, एक्टर बन के फील क्या आता है? एक्टर बनके बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अगर आप एक ऐसा शो कर रहे हो जिसमें आप रोज एक्टिंग करने जा रहे हो, जिसमें आप 20-22 या 25 डेज काम कर रहे हो, तो सच बताऊं बहुत अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन जब आप ऐसा शो करते हो जिसमें आपका रोल 2 दिन बुला के 3 दिन नहीं बुला रहे, फिर 2 दिन जा रहे हो फिर 2 दिन नहीं जा रहे, तो वो फीलिंग न्यूज की फीलिंग से अलग है, क्योंकि हमने न्यूज में जो पेस देखा है, मोमेंटम देखा है, वो कभी ना थमने वाला कभी ना रुकने वाला, आपको रखे आगे वाला एबीपी न्यूज की टैगलाइन, तो वो यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन मुझे एज एन एक्टर अनफिल्टर्ड ये बात मैं कह रही हूँ, मुझे फील हुआ कि 2 दिन हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और 2 दिन हम ऐसे हैं, हाय क्या करें। लेकिन क्योंकि मैं रूपल जी जैसी नहीं हूँ ना, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, तो मैं रील्स बनाती हूँ, तो मैं जो स्लो डाउन वाला जो मेरा दिन होता है मैं उसमें रंग भर देती हूँ, 1 रील बना 2 रील बना 3 रील बना। रूपल जी को गुस्सा आएगा जब वो ये मेरा इंटरव्यू देखेंगे, अरे देखो 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 ये अब मुझसे भी यही चाह रही है, तो मैं उसको ऐसे यूटिलाइज करती हूँ। बट हाँ खालीपन लगता है अगर आप न्यूज में काम करके आते हो, तो न्यूज में काम करने के बाद एक्टिंग ऐसा लगता है कि न्यूज में आप हाईवे पे कार चला रहे हो 5वें गियर में, ऑटोमेटिक कार की बात कर रहे हो, 5th बिल्कुल, और जब आप एक्टिंग में आते हो लगता है कई बार आप 2रे गियर में ही चल रहे हो, क्योंकि एक दिन आप 5th गियर पे हो, दूसरे दिन आप 2रे गियर पर, कई बार तो गाड़ी न्यूट्रल में भी है आपकी, ये फीलिंग होती है। लकी है वो लोग जैसे रूबल जी ने शो किया, रोज शूट करना, एक भी दिन की छुट्टी नहीं कई बार, तो आई थिंक एक्टिंग में आके आपको अगर रोज काम करने को मिलता है तो मजा आता है। हालांकि लोग उसमें ये भी बोलते हैं कि वक्त नहीं मिलता है, ये है वो है, बट इतना काम करने के बाद, 365 डेज काम करने के बाद, मुझे थोड़ा सा स्लो लगा है मेरा अभी जो जर्नी चल रही है, स्लो इन अ वे कि 2 दिन काम 2 दिन काम नहीं, बट आई होप मुझे भी कोई जल्दी ऐसा शो मिले जिसमें मैं भी 20-25 दिन फ्री बिजी रहूँ और 5-6 दिन मैं खुद को दे पाऊँ। 5-6 दिन में से 1-2 दिन इंटरव्यू के लिए निकाल लीजिएगा, फिर आप कहीं बाद में ऐसा ना कहें कि अब मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अगली बार जब तुम आओगे अच्छा, तो मैं देखूंगी। एक और बात जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये कौन से लोग होते हैं एक्टर स्पेशली, हमारे टाइम नहीं, हमारे टाइम नहीं है, टाइम निकाला जाता है, तो ये लोग झूठ बोलते हैं जो बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम जिसके लिए निकालना है उसके लिए, अमित आएगा इंटरव्यू देना है तो भैया टाइम ही टाइम है, ये कैसे बोल दें? अगर आपको कोई ये कहता है मेरे पास वक्त नहीं, वो झूठ बोल रहा है। बट लेकिन ठीक है, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की आपने कि 5 में से 2 दिन खाली बैठे हैं, 3 दिन काम कर रहे हैं, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन एक जो सेलिब्रिटी स्टेटस बनता है, पहले आप कैमरे के इस तरफ थी, आप सवाल पूछती थी कि मैम प्लीज बताइए आपने कैरेक्टर के बारे में या व्हाटएवर जो भी सवाल होता, अब आप कैमरे के उस तरफ हैं, तो कहीं ना कहीं वो फील जो होता है वो तो अंदर से एक देता है ना आपको कि मतलब ये जो फीलिंग होती है ना, ये एक किक मुझे मिली अभी अबू धाबी में, मैं आईफा के लिए गई थी, आई वाज ऑन द रेड कार्पेट जब मेरी आपसे भी बात हुई yes. कि इंटरव्यू करना है, बट वहां पे और सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, उस वक्त आपका वीडियो आया था एक, एंड आई इंस्टेंटली पुट इट ऑन माय चैनल एंड आई फेल्ट वेरी गुड कि मतलब एक ऐसा आदमी जो हमारे बीच से निकल के
उस पर्दे तक पहुंचा है या ऐसी जगह पे पहुंचा है, तो यू फील गुड कि जब आपके साथ के लोग जो हैं वो इस तरह से तरक्की करते हैं. तो मतलब और आई थिंक आपने शेयर भी किया था उस वीडियो को, और बहुत सारे मैं आपकी स्टोरीज देख रहा था, बड़े सारे पोर्टल्स ने आपके वीडियोस डाले हुए थे एंड यू हैव शेयर्ड दोस वीडियोस. वो फीलिंग लेकिन फिर एक मजेदार फीलिंग होती है ना. हाँ, आप किक की बात करेंगे. बहुत मजेदार फीलिंग थी. इनफैक्ट जब मैं रेड कार्पेट पे गई तो जब मैंने लाइन से मीडिया कैमरास को देखा, कैमरा पर्सन थे, जर्नलिस्ट थे, बूम हाथ में लेकर, उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे क्योंकि सारी लाइट हमारी तरफ लगी हुई थी, सारी लाइट्स हमारी तरफ थी, तो उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे. मैं सिर्फ बूम, क्योंकि उस पर क्लियर दिख रहा था, वो आगे की तरफ आ गए थे, तो मैं देख रही थी ये एबीपी, ये दूसरा चैनल, ये तीसरा चैनल, ये चौथा चैनल, ये बाहर के इंटरनेशनल चैनल्स आए हुए हैं, बहुत भीड़ थी. तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पहले मैं थी, मतलब मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ. और मैं एक मिनट, सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं एक सेकंड के लिए कन्फ्यूज हुई कि मैं उस तरफ हूँ, इस तरफ हूँ. एंड फिर मैंने वापस मैं अपने एक्टिंग वाले अवतार में मैंने अपने आप को सोचा, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं नहीं मैं रेड कार्पेट पे हूँ और आज मेरे इंटरव्यूज़ होने वाले हैं. और नहीं तो मैं तो प्रिपेयर्ड थी उस समय भी लोगों से सवाल करने के लिए. तो उस टाइम पे फॉर अ वाइल आई वाज लाइक दिस कि मैं इधर हूँ या इधर हूँ. एंड देन इट वाज अ प्राउड फीलिंग. एबीपी न्यूज़ वाज देयर एंड संजीव कापड़ी थे वहाँ पर, शगुन थी आपके चैनल से, और मैंने उनको देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अबू धाबी, यू नो, आप वहाँ पर हो और वहाँ पर आपके लोग मिल गए आपको, जिस चैनल में आपने 7 साल काम किया. संजीव कापड़ी भाग कर आए, शगुन आई, फिर हमने इंटरव्यू किया और खूब सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा. फिर उसके बाद तो ये सिलसिला थमा नहीं, आपसे भी बात हो गई, तब वहाँ इंटरव्यू हो नहीं पाया, तो आज हो रहा है हमारा इंटरव्यू. बट बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि आप, मैंने मेरे करियर में बहुत रिस्क लिए हैं. मैं आई, उसके बाद मुझे एक चैनल से ऑफर आया, मैंने वहाँ 2-3 महीने देखा, मुझे पसंद नहीं आया, उसके बाद मुझे एक बड़े चैनल से ऑफर आ गया और सीधे मुझे वो शो करने को दिया गया जो जिसमें एंटरटेनमेंट का ई भी था, एन भी था, टीवी था, ई भी था, आर भी था, टीवी था, ए भी था, आई भी था, एन भी था, टी भी था, एंटरटेनमेंट पूरा. और उसमें मैं एक होस्ट थी सिर्फ, बस वो शो किया, उसमें भी मैं, मेरे अंदर से वो मेनस्ट्रीम न्यूज़ का कीड़ा नहीं जा रहा था. हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं, और स्माइल ना करूं, क्योंकि जब हम मेनस्ट्रीम में थे तो ब्रेक में स्माइल कर दो कई बार, आपने ब्रेक ले रहे हैं, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार, तो हमें टीजर के विजुअल नहीं पता होते थे, हमें नहीं पता, लिखा नहीं आया प्रॉम्प्ट से, स्माइल कर रहे हैं और विजुअल चल रहा है, उसके बाद बाढ़ ग्रस्त इलाका, आई यहाँ बाढ़, वहाँ आया भूकंप, एक्स्ट्रा स्माइल नहीं करते थे हम लोग, बिकॉज वी वर डूइंग अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग. सीरियस का मतलब वी वर रिस्पॉन्सिबल, वी वर ऑन दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते हैं. फिर एंटरटेनमेंट का शो जब मैंने एंकर किया तो बड़ा मुश्किल से मैंने कोप अप किया, लेकिन वो किसी को पता नहीं चला. कुछ लोगों को पता चला, जैसे मेरी मदर को पता चला, जो मुझे देखती थी रोज की कंफर्टेबल नहीं है. अब कपड़े भी थोड़े से आपको डिफरेंट पहनने हैं, अब वो पूरे बंद कपड़े नहीं पहनने. पहले तो एक फिक्स ड्रेस थी ना न्यूज़ एंकर्स की, न्यूज़ एंकर कोट पहना, 2-3 तरह के कपड़े पहनते हैं न्यूज़ एंकर्स, बैठ गए बस, है ना. अब उसमें तो आपको स्मार्ट दिखना है, आपको थोड़ा सा हॉट ड्रेस का तड़का भी लगाना है, एज एन एंकर आपको अच्छा दिखना है. तो क्रिएटिव से ज्यादा आपको, यू नो, एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड एंकर जो होता है वैसा दिखना है लुक वाइज. फिर वो कपड़े पहनने का थोड़ा सा एक हल्का सा था कि कैसे कैसे वो कोप अप किया. फिर बोलने थोड़ा अपना टोन मैंने चेंज किया धीरे धीरे, अदाएं नहीं आती थी मुझे बिल्कुल भी, मैं नॉर्मल हुई, ब्लैंड ऐसे. अरे साथ ही माना साथी सीरियल में कोकिला मोदी ने आज बहू को लगाई फटकार और वहां पर कुकर चढ़ा दिया गैस पर और छोले उबले ही नहीं. उसके बाद अगले दिन, उसके बाद 1-2 महीने के बाद मैं समझ गई ये क्या है. छोले फिर कब उबले? छोले उबले ना 2 महीने के बाद. तो उसके बाद फिर तो मैंने तो तड़के लगाया, मैंने कहा अब तो देखो, अब तो ये कुकर वुकर सब डाल दिया, एमडीएच का मसाला, ये ले अजवाइन भी ले, तो ये सारे ले ले, बस एक ही बार ले ले. फिर तो बस उसके बाद से तो मैं समझ गई कि यहाँ पर चारुल तुम्हें, तुम जैसी हो वैसी रहो, यू हैव टू बी योरसेल्फ. तब मैंने ये बात रियलाइज की कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं न्यूज़ में एक्टिंग कर रही थी. हाँ, मतलब हमने, मतलब मैंने पर्सनली भी आपकी वो जर्नी देखी है एंड आई हैव सीन कि मतलब जब आपने वो स्विच मारा, हम लोगों के लिए भी वो एक शॉक था कि यार ये तो न्यूज़ पढ़ती थी, ये कैसे. एंड यू डिड वेरी वेल, मतलब रोज डेली कोई नया गेटअप है, कोई कुछ है, एंड मतलब इट्स वाज एविडेंट कि आपने मतलब उसमें अपने आप को झोंक दिया पूरी तरीके से. बिल्कुल झोंका और छोंका भी लगाया मैंने उसमें. सबसे बड़ी बात जो मैंने रियलाइज की अमित, वो ये कि आई थिंक आई वाज मेड फॉर दिस.
एंड जो मैं कर रही थी उसने मुझे रिकग्निशन, नाम, पैसा सब कुछ दिया, बट मैं वो न्यूज पर्सन थी ही नहीं. होता है बहुत टाइम बाद कई बार हमें रियलाइज होता है कि जैसे आई स्टार्टेड डूइंग इंटरव्यू, स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज आफ्टर यू नो आफ्टर 14 इयर्स ऑफ माय करियर. तो कई बार हमें बहुत लेट पता चलता है कि हमें करना क्या है, करना क्या या है? हम क्या कर सकते हैं. करेक्ट. तो तब मुझे ये लगा कि ये तो मैं रोज घर में ऐसे ही ड्रेसअप होती हूँ, कैजुअली मैं ड्रेसअप होकर एंकर करना मैंने स्टार्ट किया. सो आई डिडंट चेंज माई सेल्फ. आई केम आउट फ्रॉम दोज फ्रॉम दैट बैरियर. आई ब्रोक दैट बैरियर एंड आई जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग माई सेल्फ. सो जब आप अपने आप को प्ले करते हो ना खुद, जिसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होता, जिसमें आप हो बस अनफिल्टर्ड, कितना ईजी होता है वो. बस ये मैंने फंडा देख लिया, अपना लिया कि चारुल यू हैव टू बी योर सेल्फ, दैट्स इट, एंड डोंट एवर कॉपी एनीबडी. बस उसके बाद मैंने अपना एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए और दिल से किया, जो दिमाग में आया प्रैक्टिकली जो कर सकते हैं वो किया, चाहे गेटअप लेना हो, चाहे अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करनी हो. कदे कदे ऐसी पंजाबी भी बोल लेते हैं, तो अनुवादी पंजाबी. हाँ बिल्कुल. तो बस पंजाबी बोल ली, थोड़ी बहुत गुजराती बोल ली, कभी कभी मराठी बोल ली सीख सीख के, साउथ इंडियन भी बोल ली थोड़ी बहुत. आती नहीं है मुझे इतना फ्लुएंटली, बट कोशिश ये की कि कुछ नया सर्व किया जाए, कुछ नया लोगों को देखने को मिले. बट द बेस्ट पार्ट वॉज जस्ट बी योर सेल्फ. जैसे आप हो ना, आपका अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है ना. मैंने बस ये देखा कि मुझे चेंज नहीं होना है, मुझे मेरे क्राफ्ट पे काम करना है, बट आई डोंट हैव टू लुक एट अदर्स परफॉर्मिंग कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मुझे ऐसे करना है. चारुल डोंट लुक हियर एंड देयर, अपना दिल ताकत लगा के वो करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो और जिसमें तुम प्रैक्टिकली लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो. कुछ ऐसा करो जिससे लोग कनेक्ट हों, तभी तो लोग आपको देखेंगे. अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें लोग आपको देख के चैनल ही चेंज कर देते हैं तो फायदा क्या, कितना भी हाई फाई करो. राइट राइट. ये तो एक स्विच हुआ. हाँ. जो आपने न्यूज एंकर से यू बिकेम एन एंटरटेनमेंट एंकर, बट देन एक्टिंग, जो कि बहुत मुझे लगता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि किसी एंकर को मैं जानता हूं वो फिर बाद में एक्टर बन गया हो. तो हाउ दैट हैपेंड, हाउ यू डिसाइडेड कि मतलब एक्टिंग करनी है. कहते हैं ना, एक जब किसी चीज़ का वक्त आता है तो बहाने बन जाते हैं. और वो बहाना ऐसे बना कि मेरा एक चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, उसी दौरान मुझे बिग बॉस से ऑफर आया. अब जब मुझे बिग बॉस से ऑफर आया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को 4 महीने या 5 महीने बाकी रह गए थे, तो मैंने कहा मेरे बॉस को कि भाई मुझे बिग बॉस से ऑफर आया, मुझे करना है. साफ मना कर दिया गया मुझे, नहीं, यू आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैनॉट गो फॉर इट. ओके फाइन, आई अग्रीड, आई सेड ओके. पर तब मेरे अंदर वो फीलिंग आ गई थी कि आप जिस जगह काम कर रहे हो, अगर आपको इतनी भी छूट नहीं है कि आप आने वाले 3 महीने बाद एक नया शो ज्वाइन करना चाहते हो, आपको 1 महीने का भी वक्त नहीं दिया जा रहा है, मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि यू कैन नॉट इस डेट से इस डेट तक, उसके बाद भी एक क्लॉज था कि आप किसी और चैनल पे 6 महीने नहीं दिखेंगे. इफ यू आई थिंक आपको न्यूज चैनल के कॉन्ट्रैक्ट्स पता होंगे. हाँ, होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. तो वो सब देखते मुझे ये लगा कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मैं नहीं करूंगी, चाहे मेरी सैलरी डबल ट्रिपल कर दी जाए. फिर जब रिन्यूअल का टाइम आया तो मेरे बॉस ने कहा आप दिल्ली आ जाओ, और कोरोना तब खत्म हुआ था, ऑलमोस्ट चल रहा था, तब की बात है ये, आप दिल्ली आ जाओ और मेन स्ट्रीम न्यूज़ भी करो, एंटरटेनमेंट वहीं से करना. तब मैंने बोला कि नहीं, अब नहीं, अब जहाँ से मैं जो छोड़ कर आई हूँ ना, अब मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगी. और वो मेन स्ट्रीम न्यूज़ जिसके लिए मैं शायद बनी नहीं थी, जो मैं कर रही थी बहुत अच्छे से, तो मैंने कहा अब मैं वो तो नहीं करूँगी. रूपल जी से भी मेरी बात हुई, रूपल जी ने भी कहा चारुल जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वो तुम करो. मेरी मदर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा चारुल लाइफ एक बार मिलती है, ये भी तुमने कर लिया, ये भी तुमने कर लिया, अब तुम मुंबई में हो, हब है ये एंटरटेनमेंट का, अगर तुमने यहाँ पर आकर एक्टिंग में तुमने हाथ नहीं आजमाया तो यहाँ पे आने का मतलब नहीं है. और अगर तुम्हें यहाँ से दिल्ली वापस बुलाया जा रहा है वो मेन स्ट्रीम करने के लिए, जो 7 साल पहले तुम छोड़ कर आई हो, तो मतलब नहीं है. बस छोड़ दिया उसी दिन, छोड़ दिया. और कॉन्ट्रैक्ट में तो ये होता है कि अगले दिन से आपकी सर्विसेज खत्म. यस राइट. फिर 10-15 दिन ऐसे थे जब मैं बैठी बैठी से सोच रही थी कैसे होगा, ओहो मैंने छोड़ दिया, मैं इससे अच्छा दिल्ली चली जाती. हाँ, नहीं, मैं हाथ में तो ले लेती आगे हाथ में. हाँ, वही हम सोचते हैं. फिर घर वालों ने कहा तुम ऑफर ले लेती 6 महीने बाद छोड़ देती 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट. मैंने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, अगर मैंने हाँ किया तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो होगा ही होगा. खैर, तब ये कॉल लिया मैंने कि मुझे नहीं करना है. एंड 15 दिन तो ऐसे थे बिल्कुल सोच रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सो रही हूँ, नींद नहीं आ रही.
क्योंकि इतना काम करने की आदत थी, सपने में भी शो प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, मतलब उठ रही हूँ तो गेटअप ऐसा लग रहा है मैंने कोई लिया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नींद से उठ के एकदम, कल कौन सी स्टोरी जाएगी, क्या साथिया के सेट पे कौन रिपोर्टर जाएगा। बहुत बहुत। तो फिर 15 दिन के बाद मुझे बिना एफ कोहली मैम का, जो प्रोड्यूसर है, भाभी जी घर पर है शो हप्पू की उल्टन पल्टन, मैं आई कम इन मैडम का नया सीजन का अभी कल से शुरू हुआ है, उनका ऑफर आया सीधे, चारुल आपको करना है, क्योंकि मैं उनसे पहले बात भी कर चुकी थी एक बार कि मुझे इंटरेस्ट है। और मुझे मेरा शो करते हुए न्यूज़ टेन्योर के दौरान ही मुझे उन्होंने ऐसे एक डेब्यू कराया था अपने शो में 4 दिन का, जिसके लिए पता नहीं कैसे मेरे बॉसेस ने हाँ कर दिया था, ठीक है तुम कर लो, बट 4 दिन का ही है ना बस, उससे ज्यादा नहीं। मैंने देखा था। हाँ। उस वक्त हमें लगा कि क्या स्विच कर लिया क्या। हाँ। फिर देखा तो वापस दिख रहे थे आप वहाँ पे, तो वो कर लिया, ऐसी परमिशन तब मिल गया, मिल गई मुझे। तो मैम को पता था कि, मैम को शायद पता था ये कर लेगी, तो उन्होंने ऑफर किया मुझे, बोले कल सूरत में कल से शूट है, ऐसे ऐसे आप आ जाओ। मैंने ना तो ये पूछा मेरा पर डे कितना होगा, ना मैंने ये पूछा मेरा कैरेक्टर क्या है, कुछ कोई क्वेश्चन ही नहीं। ओके मैम, रूबल जी से बात हुई, बस उन्होंने सीधे बोला कर लो तुम्हें जो करना है। पेरेंट्स से बोला जो मन में आया तुम्हें चारुल करो, बिंदास करो। पहुंच गए शूटिंग पे, शूटिंग स्टार्ट हुई, सीन आया, तो सीन से 5 मिनट पहले स्क्रिप्ट आ रही है। अच्छा। मुझे लगा 2-3 घंटे पहले स्क्रिप्ट मिलेगी, मैं याद करूंगी याद करूंगी याद करूंगी ऐसे। स्क्रिप्ट 5 मिनट पहले आई है, काफी सारे डायलॉग्स थे मेरे, मतलब मुझे लगा कम होंगे, शुरू की बात है। पढ़े मैंने, समझ ही नहीं आया कि कौन कैसे बोल रहा है, अब उसकी लाइन खत्म है, एकदम एब्रप्टली मैं कैसे बोलूंगी, क्योंकि मैंने एक्टिंग कभी की नहीं, मैं थोड़ी कोई कहीं से सीख कर आई हूँ। और सीधे सेट पर, बाहर आउटडोर में शूट है, आ जाओ जी, आ गए एडी बुलाने के लिए। पहुंच गए रोल, मुझे लगा एक बार रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रोल। फिर ना मैं अंदर से, मतलब मैं, मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई, हवाइयाँ, मतलब हार्ट बीट मेरी डुक 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 इतनी जितनी मेरे लाइव न्यूज़ में नहीं हुई होगी। पर उस टाइम मुझे लगी, एक तो ये पता नहीं चल रहा था कि इनके बाद बोलना है या उनके बाद बोलना है या बीच में बोलना है। अब उनके बाद, क्योंकि रिहर्सल ऐसे नहीं की थी हमने, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, बट पता नहीं कैसे वो सीन बड़ा अच्छा हो गया। तो सीन हो गया, उसके बाद शांति सेट पे एकदम। मुझे लगा अभी कोई फोन, अभी कोई आएगा सामने से बोलने, अभी कोई तो आएगा बोलने, अच्छा नहीं था, ही क्या कर दिया तुमने, तुम्हें ऐसे बोलना था। कोई नहीं आया, अगला सीन आ गया हाथ में, मैंने कहा है हो गया। फिर डायरेक्टर के पास में गई, प्रफुल सर थे वहाँ पर, मैंने कहा सर ठीक था मेरा, वो ना ऐसे बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं, देखो ऐसे, हाँ हाँ ठीक तो था, हाँ ठीक ही था। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई आपको कुछ कमी लगी, देखो कुछ किसी ने नहीं कहा ना, मतलब अच्छा था है? और मैं ऐसे अच्छा क्योंकि मेरे अंदर डाउट था कि, obviously, कि मुझे पता था मैंने अच्छा नहीं किया है, पर वो कह रहे अच्छा था। मैंने कहा है काम चल गया है तो बड़ा अच्छा होगा, चलो ठीक है, मुझे क्या। अगला सीन, अच्छा सीन भी ऐसा, वो योगेश त्रिपाठी हप्पू के जो वो बनते हैं दारोगा, उनके साथ एकदम सीजन एक्टर है वो, तो जबरदस्त एक्टर, तो ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ के ऐसे फेंक के मारते हैं। उसके बाद एक तो लैंग्वेज अलग है उनकी, उसमें पूरी कानपुरिया, हाँ वो उसमें स्टार्ट हो गए बोलना। अब मैं कमिश्नर की साली हूँ, तो मेरे रिश्ते की बात हो रही थी उसमें, अब कमिश्नर आ गए, ये आ गए, अब एक शराबी सा ही खड़ा कर रखा कि इससे शादी करेंगे इसकी, मेरे को उसको डांट लगानी थी बस, मैं तो मेरे उसमें आ गई, मैं जैसी हूँ, मैंने उसमें डांट पांट लगा के 4-5 लाइनें एक्स्ट्रा बोल दी, तालियां बज गई, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। मैं अंदर से ऐसे, ये भी अच्छा हो गया, मतलब मेरा पहला दिन ऐसे निकला, एक तो कोरोना का टाइम। अच्छा, ये पहले दिन ही तालियां बज गई? पहले दिन। ओके। पहले दिन, क्योंकि शायद डायरेक्टर को याद था कि मुझसे पूछने आई थी, या तो मैंने उनको डिस्टर्ब किया था, उनको लगा होगा फिर पूछने आएगी, तालियां बजा के। अब पता ही था, मैं आपको बताता हूँ, अमिताभ बच्चन ने जब बॉम्बे टू गोवा की, उन्हें नाचना नहीं आता था, ठीक है, वो गाना है ना बॉम्बे टू गोवा का, देखा ना हाय रे सोचा ना, तो बच्चन साहब टेक पे टेक ले रहे थे। अच्छा। महमूद उस फिल्म के डायरेक्टर थे, तो महमूद ने क्रू से कहा कि अब ये लंबू जैसे भी नाच, लंबू कहते ना उनको पहले, अब ये लंबू जैसे भी नाचेगा ना तुम सब ताली बजाओगे, ठीक है। तो सबने ताली बजाई, तो महमूद ने बताया एक इंटरव्यू में, कह रहे उसके बाद तो वो लंबू जो नाचा गाने का पूरा होने के बाद ही रुका, और फिर जिस पे ताली बजी थी वो टेक दोबारा लिया गया। तो मतलब ये कहना चाह रहे हो तालियां सही बोल रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन एक चीज उन्होंने कही थी कि कलाकार की जो खुराक होती है वो तारीफ होती है। तारीफ होती है। ये उन्होंने बड़ी सही बात कही थी कि कोई भी कलाकार होगा वो सबसे ज्यादा किस चीज का भूखा होता है, तारीफ का भूखा होता है। जो मैंने पुराने कलाकार देखे ना, जैसे गुलशन ग्रोवर आए, मुझसे डायलॉग कौन सुनेगा, मतलब उन्हें ना चाहिए कि हम बोले करें और कोई सुने, और सुने और अच्छा लगे और रिएक्ट करे, सबसे अच्छा तो यही कमाया ना। सही बात। एज अ कलाकार उन्होंने आपको फीड कर दिया कि भाई चलो ताली बजा दो,
एक आधा टेक एफ भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन आगे से अच्छा करेगी बिल्कुल। और अब ऐसा हो सकता है, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। एक प्रोड्यूसर ने उस दिन बात बोली अलग से बुला के, उनको लगा होगा सबके सामने नहीं बोलूंगा, इसको बुरा लगेगा, कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, चारुल आप ना बस एक बात का ख्याल रखिए। मैं बोला यस सर, बताइए। आपने लेंस में मत देखिए। बोला सर मैंने ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी। और फिर मैंने ये बात रियलाइज की कि पहला जो मेरा टेक गया है शॉट जो पहला था उसमें 5 कैमराज लगे थे, तो शायद जो मेरा क्लोजअप था वो जब मैंने फाइनली देखा एपिसोड उसमें वो कट किया हुआ था, मतलब मैंने दबा के लेंस में देखा था। अच्छा उसमें क्या होता है, अब जैसे मैं करता हूँ ना, मैं कभी ओपनिंग मैं लेंस में देखता ही नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी एंकरिंग नहीं की। I never look at the lens कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं इधर ही देख रहा हूँ। पर आप ओपनिंग में तो देखते हैं ना? नहीं देखता मैं। मैं तो अभी ओपनिंग में देख गई लेंस में। तो बस ठीक, हल्का फुल्का देखा बस, ठीक है दैट्स इट, खत्म। मतलब आपकी आदत उस वजह से रही बिकॉज यू हैव बीन अ न्यूज एंकर फॉर सो लॉन्ग। करेक्ट। तो फिर कब आदत छूट गई, कब लेंस में देखना बंद कर दिया? दूसरे दिन से, तीसरे दिन से इनफैक्ट, दूसरे दिन में मैं ऐसे देख रही थी बार बार, फिर याद आता है नहीं देखना। तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस। एक ही मुझे फीडबैक मिला है तब से अब तक, और किसी ने मुझे टचवुड टोका भी नहीं, किसी ने कुछ ऐसे भी नहीं बोला, बस सबने ये बोला कि आपके अंदर ना एक एंकर टच आता है, आप बहुत क्लियर बोलते हो चीजों को। तो मैं कुछ भी बोलती हूँ, अब पता नहीं बाकी लोग कैसे बोलते हैं, बट शायद मैं बहुत ही एक एंकर, या लोगों ने मुझे एज एन एंकर देखा है तो लोग मेरे अंदर वो टोन देखते हैं एंकर वाला, बट वो तो है ही। हम बात, हम सो के उठ के भी ऐसे ही बात करते हैं, हम बात ही ऐसे करते हैं। वो होता है, कई लोग मुझे भी बोलते हैं, बोले कि आप नॉर्मली भी बात कर रहे हो ऐसा लगता है आप इंटरव्यू ले रहे हो। पता नहीं क्यों, मैं तो नॉर्मली बात करता हूँ, न्यूज पढ़ रहे हो ऐसा लगता है। कई लोग बोलते हैं ऐसा, हम है ही ऐसे, हम न्यूज नहीं भी पढ़ते तब भी हम ऐसे ही बात करते हैं। सही बात है। तो बस ये है, बाकी या वी आर नेचुरल। बाकी ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए, किसी ने ऐसे मुझे खुल के सराहा नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, लेकिन नहीं दिया, नो न्यूज इज ऑलवेज अ गुड न्यूज। कोई आपको कुछ नहीं कह रहा तो मतलब सब सही है, सुमड़ी में बहुत अच्छा चल रहा है, सब चंगा। और मुझे आसिफ शेख, रोहिताश गौर, शुभांगी, विदिशा ने तो अभी ज्वाइन किया है, सौम्या, बाकी जितने भी और एक्टर्स हैं, वैभव माथुर, टीका बनते हैं जो साथ में, ये सब ने मुझे ये बोला चारों बहुत नेचुरल हो, क्योंकि मेरे अंदर वो डाउट था, अभी भी रहता है कई बार, मैं पूछती हूँ तो बोलते अरे मत पूछो, कोई सामने से आके से नहीं पूछता है, तो मैं बोलूँगी अरे तो क्या हो गया पूछते हैं, तो अरे मतलब उनके लिए ऐसा है कि वो तो कब से एक्टिंग कर रहे हैं, right. तो उन्हें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, वो मुझे इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मत पूछो ना, तुम अच्छा ही कर रहे हो, तुम क्यों आके पूछ रहे हो। पता चले हमारे ऊपर भी नजर रखनी शुरू कर दी कि अबे तू ठीक नहीं कर रहा। कि हमारी डांट पड़वा दी इसने। राइट right. तो ये होता है, बस एक बात समझ लिए कि आपकी स्क्रिप्ट आती है आपको उसको एज इट इज नहीं बोलना है। बहुत लोग क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड रट्टा मार लेते हैं, आपको उसको लंबा भी खींचना नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें एक लाइन को आपने 5 करके बोल दिया तो आप तो दूसरों का सीन खा गए ना फिर आप, तो आपको उसी लाइन को आपके तरीके से बोलना है। जैसे आप देख रहे हैं ENT लाइव, मैं हूं आपके साथ अमित, ये लिखा है तो जरूर नहीं मैं यही बोलूं, मैं बोलूंगी हाय फ्रेंड्स दिस इज चारुल, लेट्स वॉच ENT लाइव विद मी। गॉट इट। बात उतनी कही है मैंने, जिस्ट और मीनिंग वही रहना चाहिए, वर्ड्स आपने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिए। और कॉमेडी में एक और बात है, पंच बहुत मैटर करता है। कॉमेडी में आप एक भी चीज आगे से पीछे नहीं कर सकते, हंसाना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। और हम इतना हंसते हैं अमित, हम इतना हंसते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब काजल वाजल बह जाता है, टचअप के लोग आते हैं, लाइनर दोबारा लगा रहे होते हैं, एक तो कैरेक्टर्स इतने सारे फनी हैं, रोहिताश गौड़, आपका ये वैभव, देन आपके आसिफ शेख, सब फनी, इतना हंसते हैं, इवन बाकी कैरेक्टर्स सारे। एक चीज जो मुझे लगती है ना अमित, वो टीवी से ये लगती है कि यहाँ पे ना बड़ा एक वो है, लीड एक्टर ही सब कुछ होता है, यू नो लीड्स, मुझे लगता है ये एफर्ट पूरी टीम की होती है। लेकिन अब ऐसा मुझे नहीं लगता है, कई बार अब हम कोई पिक्चर देखते हैं या कुछ देखते हैं, एक आदमी कई बार एक सीन में आता है लेकिन आपको याद रह जाता है। वो आपका नजरिया है, वो आप देख रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीलिंग जो मोस्टली सारे सेट्स सेट पर होती है, सेट जो, की जो बात आपको एज एन एक्टर हो सकती है कि अरे वो तो लीड, अरे वो तो, अरे अरे वो शी इज अ लीड, अरे ही इज अ लीड, तो बाकी क्या है, घास चरने आए, मतलब घास छीनने आए क्या। माई पॉइंट इज दिस, दैट इट्स अ टीम एफर्ट, कोई भी शो दो लोग नहीं निकाल सकते, दो लीड एक्टर्स को खड़ा कर दो, नहीं हो सकता, हो पाएगा, कोई देखेगा ही नहीं। आप भी आज इंटरव्यू कर रहे हो, दादा है वहाँ कैमरा के पीछे, तो इट्स लाइक इट्स अ टीम एफर्ट। और एक्टिंग में एक चीज होती है जो मैंने समझी है, क्यू, क्यू मिलता है आपको, मैंने एक लाइन बोली आपने नहीं पकड़ा, जवाब आपको देना है, उसमें से आप कैसे रिएक्शन देते हो, ऑब्वियसली, सो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अगर सामने वाला अच्छा क्यू नहीं दे रहा, आप समझ रहे हो क्यू मैं क्या कह रही हूँ, मैंने आपने बोला आई गॉट इट, इसका मतलब मैंने वो आपके ऊपर आधा छोड़ी बात की, इसके बाद अब आपकी बारी है, तो वो अपने आप समझना, पिक करना,
थ्रो करना, आई एम नॉट अ लर्न एक्टर, मैंने NSD या कहीं से कोई कोर्स नहीं किया है, बट इतना तो मैंने समझा है कि बॉन्डिंग, एक एटमोसफियर, एक ओवरऑल सब लोगों की एक यूनिटी, यू नो, एक पेज पर होना, वाइब्स, ये एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए ये सब प्री रेक्विजिट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं फॉर एनी शो. अच्छा, फेम वाइज कितना डिफरेंस आया? बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन एंकर, लोग टीवी पे देखते थे, एंकर्स को लोग पहचानते हैं, बट एंकर से जब आप एक्टर बने, खुद कितना महसूस किया कि मतलब लोगों ने जो पहले पहचानते थे और जो फिर पहचानने लगे, कितना डिफरेंस लगा? डिफरेंस मैंने एक चीज़ महसूस की कि पहले आई वॉज अ क्वीन न्यूज़ चैनल में, मैं हेड थी, मैं एक शो रोज रन करती थी, 1.5 घंटा में लाइव रहती थी या डेफर्ड लाइव रहती थी. एक्टिंग में आने के बाद मुझे ये लगा कि पहचान तो मुझे वहीं से मिल गई थी. अब एक शो इतना अच्छा आप कर रहे हो, भाभी जी घर पर है, तो बहुत पॉपुलर शो है, उसमें एक एक किरदार को लोग पहचानते हैं. बट मुझे एक चीज़ लगी कि पहले मेरी टीम जा के सब एक्टर्स के इंटरव्यूज़ लेती थी, तो मैं एक एक्सपेक्टेशन मेरे अंदर थी कि जब मैं एक्टिंग करूँगी तो मेरे भी इंटरव्यूज़ होंगे, जब लोग आके मेरी बाइट्स लेंगे, पर वैसा नहीं हुआ. तो मुझे ये थोड़ा सा झटका लगा कि क्या हो गया हमारी फ्रेटर्निटी को, मीडिया फ्रेटर्निटी को, कि वो लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे. आई कुडंट डाइजेस्ट दिस फॉर ऑलमोस्ट 7 to 8 months कि व्हाट इज दिस हैपनिंग. आप ही को सपोर्ट नहीं कर रहे थे या जो आपके लेवल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप जर्नलिस्ट रही हैं, आपको पता है जब जर्नलिस्ट लोग हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में क्या होता है, लीड्स, ए लिस्टर, मतलब कम से कम 3-4 साल पहले तक सिनेरियो यही था. आज कैरेक्टर आर्टिस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता है अगर इसने छोटा सा भी रोल किया है ना, ये बंदा. इसी बात का जवाब मैं आपको इसलिए दूंगी क्योंकि मैंने जब मेरा शो प्रोड्यूस किया था न्यूज़ चैनल में, तो मैं मेरे सब रिपोर्टर्स को कहती थी, रिपोर्टर्स आते थे स्टोरी कंटेंट लेकर, आइडियाज़ लेकर आते थे, तो दिल्ली से हमारी एक टीम थी, वो बोलती थी, अरे यार फिर उसका कर लिया, अरे इसका कौन है, अरे इसका क्यों इंटरव्यू कर लिया. तो मैं उनको ये कहती थी, देखिए आप कुछ मत कहिए, ये हमारा डोमेन है और लेट अस डिसाइड. मेरी नज़र में सब इक्वल थे, मेरी नज़र में सब इक्वल रहेंगे, और मैं हर कैरेक्टर का कंटेंट, हर कैरेक्टर का सेगमेंट हम मैंने मेरे शो में करवाया, ये ना देखते हुए कि कौन लीड और कौन लीड नहीं है. तो मैं वो सोच रखने वाली, मेरे साथ जब ऐसा हुआ तब मुझे समझ में नहीं आया. बट टचवुड, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, और बस मुझे ये चीज़ लगी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बुरा भी लगा, बट उसके बाद मैंने कहा चलो हम भी सॉल्यूशन निकालते हैं. मैंने भी मेरी PR टीम रख ली, फिर अब चलो अब हर जगह मेरे आर्टिकल्स आएंगे. देखो हर चीज का एक तरीका होता है और हर चीज का एक वे आउट होता है, तो उस चीज में मुझे बुरा लगा क्योंकि हमारा फोटे, हमारी फ्रेटर्निटी. बट बाद में देन आई रियलाइज कि हर एक इंसान की सोच शायद मेरे जैसी नहीं है, या आई एम नॉट सेइंग मैं कोई बहुत अच्छी सोच रखती हूँ. ये मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड स्टार्ट डूइंग आवर वे, सो आई स्टार्टेड डूइंग माय वे देन. अच्छा, कुछ जल्दी से एक रैपिड फायर करते हैं जो न्यूज चैनल्स वालों की बहुत फेवरेट है, मेरी नहीं है लेकिन ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं. अच्छा, यू आर अ हिल्स पर्सन और अ बीच पर्सन? आई एम अ हिल पर्सन बिकॉज बीच पे बाल आपके बड़े गंदे हो जाते हैं, बाल ऐसे की जगह ऐसे फ्रिजी हो जाते हैं. आई डोंट लाइक बीचेस. टी और कॉफी? आई एम अ टी पर्सन. ओके, नाइट क्लब और अ क्वाइट प्लेस? क्वाइट प्लेस बिकॉज नाइट क्लब में जाने के बाद मुंह पे पूरी स्वेलिंग आ जाती है, सुबह सुबह शूट करना होता है, मुंह इतने का इतना हो जाता है. ये वेज और नॉन वेज? वेजिटेरियन, प्योर प्योर वेजिटेरियन. ओके, देन मसाला डोसा और चाउमीन? आई विल गो फॉर मसाला डोसा, मसाला डोसा, सिंस इट्स हेल्दी आल्सो. अच्छा ये लेकिन आप ऐसे कैसे हो, व्हाट इज द सीक्रेट? सेम, मतलब आपकी खूबसूरती जाहिर है बड़ी है, मतलब लोग मोटे होते हैं, पतले होते हैं, हालांकि आई मीन दैट्स परफेक्टली फाइन जिसकी जो बॉडी है, बट यू आर कॉन्स्टेंट, जो मतलब मैं 16 साल से देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो. मुझे लगता है इसके पीछे रीजन ये है कि मैं बोलती बहुत हूँ, ये लोगों को नहीं पता है. बोलना अपने आप एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है. इफ यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, गूगल इट, यू विल कम टू नो. सो आई स्पीक अ लॉट, आई एम लिटिल लाउड व्हेन आई स्पीक विद माय पीपल. द वे आई एम राइट नाउ, आई कांट बी लाइक अमित, या आई एम फाइन, सो आई एम ऑलवेज, यू नो, इन अ अलर्ट पोस्चर, टॉकिंग लाउडली. सारी बात दिल से बोली? बिल्कुल दिल से. मतलब you have spoken your heart out. Yes. You are satisfied? Yes. Chalo, thanks. The interview is successful. Thank you so much. Thank you. And we'll do another one.
उसको कुछ डिफरेंट करेंगे, वो सिट डाउन नहीं करेंगे, वो वॉक द टॉक करेंगे. वॉक द टॉक करेंगे मुझे लगता है जल्दी करेंगे. आप लगता है एक्टिंग में बहुत जल्दी आने वाले? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है. मैं बिल्कुल एक्टिंग में नहीं आने वाला हूँ. मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसमें बहुत मजा आता है. ऐसा मैं भी कभी सोचती थी. हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं. हालांकि प्रेडिक्शन है कि आई विल डू अ वेब सीरीज इन 2028. देखो मुझे ये बात नहीं पता थी. मुझे लगता नहीं है क्योंकि मेरे बस की नहीं. ऐसा मुझे भी नहीं लगता था. चलिए ठीक है, देखते हैं. बट हम इंटरव्यू तब भी करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अमित, लवली मीटिंग यू.